क्या आपको पता है कि पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मॉनसून ट्रफ लाइन अभी भी मध्य प्रदेश के बीचों बीच बनी हुई है, जिससे बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जैसा पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान चेतावनी जारी की गई थी, प्रदेश में कई जगह पे येलो और ऑरेंज अलर्ट अलग अलग जगह पे और कुछ जगह पे रेड अलर्ट दिया गया था। फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से में जो लो प्रेशर एरिया, जो डिप्रेशन था परसों बंगाल की खाड़ी में, वो कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल गया और छत्तीसगढ़ के ऊपर था, और उसी के चलते हुए जो मानसून ट्रफ लाइन थी वो अभी भी मध्य प्रदेश के लगभग लगभग बीचों बीच हिस्से से गुजर रही थी। और पिछले 24 घंटों में पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो सीहोर के इछावर तहसील में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि साथ ही छिंदवाड़ा, पांडोना, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, देवास, इन सभी इलाकों में कहीं कहीं पे भारी वर्षा, कहीं कहीं पे अति भारी वर्षा का क्रम पिछले 24 घंटों से अभी तक जारी है। गुजरात के ऊपर बना चक्रवाती घेरा अब कमजोर पड़ गया है, जिससे मध्य प्रदेश में इसका असर कम हो गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। सेवपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ और उज्जैन में भी भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई से मौसम में बदलाव आने की संभावना है और इसके बाद कहीं भी बहुत भारी बारिश नहीं होगी। साथ में जो गुजरात के ऊपर चक्रवाती घेरा था उसका असर अब कम हो चुका है। हालांकि पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर अभी भी, जहां पे आप ये रेड पैच देख रहे हैं, वहां पे अभी भी एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है, और उत्तरी महाराष्ट्र माने 21 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जो सीयर जोन है पूरब से पश्चिम तक, उसकी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से अभी भी नमी आ रही है, और ये बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग के हिस्सों से अगले 24 घंटों के बाद पास होने लगी कि उसके चलते हुए ग्वालियर चंबल संभाग में कल से माने आज कल प्रातःकाल से आपका जो वर्षा की गतिविधियां थोड़ा तेज हो जाएंगी, और इसी के चलते हुए श्योपुर, कला, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इनमें ऑरेंज अलर्ट, जबकि मुरैना में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पे बारिश 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं पे जो अरब सागर से नमी आ रही है उसके चलते हुए अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, इंदौर, इनमें भी मध्यम से भारी वर्षा, झाबुआ और उज्जैन में भी कहीं कहीं पे तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। 24 घंटे बाद चूंकि सिस्टम का असर कम होगा, मानसून ट्रफ लाइन थोड़ा फर्दर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगी, खासकर जो उसका पूर्वी हिस्सा है उसके चलते हुए ऑरेंज अलर्ट जो पश्चिम मध्य प्रदेश में उसमें कमी आएगी, लेकिन सागर संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग और शहडोल संभाग, इन हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा, कहीं कहीं पे का जगह अति भारी वर्षा, स्पेशली श्योपुर, कला, मुरैना, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, इन जिलों में ये अभी 24 घंटे बाद माने कल भी जारी रहेगा। अब बात करें उन जिलों की जहां तेज बारिश हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के अनुसार बालाघाट, पश्चिम छिंदवाड़ा, पांडुना, पूर्वी बालाघाट, बैतूल, मंडला, कान्हा, नर्मदापुरम, जबलपुर, भेड़ाघाट, पचमढ़ी, नरसिंहपुर, दक्षिण दमोह, बुरहानपुर, खंडवा, ओंकारेश्वर, दक्षिण सीहोर, भोपाल, बैरागढ़, रायसेन, भीमबेटका, कटनी, डिंडोरी, उत्तरी शहडोल, हरदा, अनूपपुर, अमरकंटक, उमरिया, बांधवगढ़, पेंच, सिवनी और सागर में बिजली के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गुना, अशोकनगर, दक्षिणी शिवपुरी, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, देवास, खरगोन, महेश्वर, विदिशा, उदयगिरी, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सतना, मैहर, सीधी और सिंगरौली में बिजली के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। भिंड, टीकमगढ़, रीवा, मऊगंज, नीमच, बड़वानी, रतलाम, उत्तरी सीहोर और मंदसौर में देर रात बिजली के साथ हल्की आंधी आने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे सागर संभाग, लगे हुए भोपाल संभाग के हिस्से और जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट आज भी कंटिन्यू रहेगा, स्पेशली विदिशा, रायसेन, सागर, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, मंडला, बालाघाट और शिवपुर, कला, इन सभी हिस्सों में 12 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में सोमवार को अधिकांश जिलों में तापमान 33 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश सक्रिय रहेगी, हालांकि बरसात की गति में कमी आ सकती है। सोमवार को सबसे अधिक तापमान छतरपुर का 38.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पचमढ़ी का 24.4 डिग्री रहा। के चलते हुए इसी एरिया के आसपास, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ऑरेंज अलर्ट कुछ जिलों में, जिसमें नीमच, मंदसौर, शिवपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा, जबकि कहीं कहीं पे अति भारी वर्षा का दौर ये 72 घंटे के दौरान भी जारी रहेगा। 25 जुलाई से सिस्टम का जो है वो चक्रवाती घेरा काफी कमजोर हो चुका होगा और मानसून ट्रफ लाइन का असर ही रहेगा कुछ हिस्सों में,
और लगभग पूरे प्रदेश में जो रिमझिम बारिश का दौर या गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा, लेकिन ऐसा कहीं भी बहुत ज्यादा विशेष भारी वर्षा अति भारी वर्षा 72 घंटे बाद देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप मध्य प्रदेश के इन इलाकों में रहते हैं तो सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों को भी सलाह है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आने वाले दिनों में मौसम की जानकारी के लिए जुड़े रहें और सतर्कता बनाए रखें। इन सभी चेतावनियों के चलते हुए हमने कई जगह पे जो लाइटनिंग की घटनाएं हैं, स्पेशली सागर जबलपुर शहडोल संभाग में जहां पे अगले 24-48 घंटों में लाइटनिंग थ्रेट थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद है, वहां पे लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, आसपास किसी जलाशय के आसपास ना खड़े हों जब कभी भी बारिश हो रही हो, साथ ही किसी मोबाइल या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का खुले में उपयोग ना करें। इन सभी सावधानियों के चलते अपने जीवन की सुरक्षा का उपाय करें। मौसम का यह बदलाव हमारे लिए कई चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। इस बारिश से फसलों को राहत मिलेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इस मानसूनी मौसम का आनंद उठाएं और सुरक्षित रहें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।